हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक ट्रू फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडियाटेक कंपनी के बारे में। मीडियाटेक कंपनी कहाँ की है, क्या बनाती है और क्या इसका फ़ायदा है, क्या ये स्नैपड्रैगन कंपनी से अच्छी है या नहीं है, आज हम पूरी वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीडियाटेक कंपनी है कहाँ की। तो ये मीडियाटेक कंपनी दोस्तों एक ताइवान की कंपनी है, ताइवान में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये ताइवानी कंपनी, अब ताइवान से समझ ही गए होंगे ताइवान है कहाँ। ताइवान चाइना में है दोस्तों, यानी कि एक चाइनीज कंपनी है मीडियाटेक। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कंपनी बनाती क्या है, ये कंपनी मीडियाटेक क्या चीज़ बनाती है, किस इंडस्ट्री में आती है। तो दोस्तों, जो इसकी इंडस्ट्री वो फैबलेस सेमीकंडक्टर्स, ये फैबलेस सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर फैबलेस टर्म आई ना, वो इसी इसका मतलब यही है कि ये पहले से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। और वो सेमीकंडक्टर चिप्स किसके लिए बनाती है, जैसे आपका जो प्रोसेसर हो गया वो भी एक सेमीकंडक्टर चिप है। जो आपकी ये चिप्स हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में जो चिप्स यूज होती हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं, जैसे माउस हो गया आपका, डीवीडी और प्लेयर हो गया, ये ऐसी ऐसी बहुत हाई डेफिनेशन टेलीविजन्स हो गए, जितने भी मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने ऑप्टिकल से आगे वाईफाई मतलब कम्युनिकेशन से जितने आगे ना, वायरलेस कम्युनिकेशन से, वहाँ पर आपकी मीडियाटेक कंपनी का कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट का यूज होगा। दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, तो आप जो आपने देखा होगा, आप अपने सीपीयू में एक छोटा सा वाईफाई अडेप्टर इंस्टॉल करके रखते हो, जिनमें आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो अपने सीपीयू को। हालांकि जो होता है ना इनबिल्ट, उसमें लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, उसमें आपको नहीं देख पाते आप, लेकिन सीपीयू में होता नहीं, इसलिए हम बाहर से लगाते हैं। एक वाईफाई अडेप्टर खरीद के 200 से 250 रुपये का आता है। तो वो कौन सी कंपनी का हार्डवेयर होता है उसके अंदर मीडियाटेक कंपनी का हार्डवेयर होता है। दोस्तों, आप देखते होगे जब उसका सेटअप क्रिएट करते होगे, जो उसका सेटअप इंस्टॉल कर रहे होते होगे, तो एक फोल्डर आता है मीडियाटेक एमटीके नाम से, एमटीके, और उसमें आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हो। तो दोस्तों, मतलब वो सेमीकंडक्टर जो बनाया है वो मीडियाटेक कंपनी ने बनाया, बहुत पहले से बनाने लग गई थी, कंपनी आज की नहीं है दोस्तों, बहुत पहले की कंपनी है। तो अब तो मेनली जानी जाती है प्रोसेसर्स के कारण, जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे मोबाइल में यूज़ होते हैं उनके कारण ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन पहले से ही ये ज़्यादा जानी जाती थी किसके मामले में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल डीवीडी प्लेयर्स, इनमें हाई डेफिनेशन टेलीविजन से। और दोस्तों, कार इंडस्ट्री में भी पहले से ही जानी जाती थी, बहुत सारे पार्ट्स सेमीकंडक्टर्स के जो उसमें यूज़ होते हैं ऑटोमेटिव में, तो ऑटोमेशन में बहुत सारे पहले से बनाती थी ये, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता होता है नॉर्मल लाइफ में कि ये सिर्फ प्रोसेसर बनाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर सिंचू एक जगह है ताइवान में, वहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। मेनली आपने देखा होगा इसके प्रोडक्ट्स, हम बात करते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। इसके जो प्रोसेसर हैं वो कौन कौन सी सीरीज के फेमस प्रोसेसर आपको बता रहा हूँ। पहले जो प्रोसेसर थे वो इतने अच्छे नहीं थे उसके, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। अब जो ज़्यादा आगे बढ़ गई है, कई प्रोसेसर बहुत अच्छे अच्छे लेके आई है, तो प्रोसेसर है वो हीलियो एक्स सीरीज, हीलियो पी सीरीज, हीलियो ए सीरीज, ये आपने नॉर्मल सुनी होगी दोस्तों। हीलियो एक्स सीरीज, पी सीरीज तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, पी तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी दोस्तों, आम है पी तो आपके मोबाइल में, मिड रेंज के प्रोसेसर बनाती है ये। तो हीलियो एक्स में भी आपने ज़्यादा कौन से सुनोगे, X30 सुना होगा, X27, हीलियो पी में हीलियो P25, हीलियो P20, ऐसे बहुत सारे नाम सुनोगे। हर सबसे लेटेस्ट अभी तक इसका अभी P70 आने वाला है और P60 लॉन्च हो चुका है। P60 बहुत अच्छा प्रोसेसर था दोस्तों, इसके मैं आपको बताऊंगा क्या उसमें खास बात थी। हीलियो ए में हीलियो A22 भी सुना होगा आपने, तो ऐसे इसके सीरीज हैं प्रोसेसर के जो अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके, आप पहचानोगे कैसे कि ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो ये लिखा नहीं होता कि मीडियाटेक का है, या आप कहीं स्पेसिफिकेशन देख रहे होते हो तो बकायदा पूरा नाम नहीं लिखा होता कि ये मीडियाटेक का है या ये मीडियाटेक हीलियो P25, कई जगह नहीं लिखा होता। तो उसके लिए इसका कोड है, प्रोडक्ट जो नंबर है ना, प्रोडक्ट नंबर आपका रहेगा नॉर्मल जो मोबाइल्स के लिए, उनमें आपका नंबर मिलेगा MT से शुरू, MT, उसके बाद में कोई भी, जैसे MT 5567, MT 5552 ऐसे, तो वो MT होगा ना, वो मीडिया टेक के लिए होगा दोस्तों, जो MT का शुरू वाला नेम, उससे आपको पहचान हो जाएगी कि मीडिया टेक का प्रोसेसर है।
और जो आपके वाईफाई प्रोडक्ट्स में होगा वो आरटी होगा। आरटी जैसे आप सोचते रियल टेक तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। रियल टेक जैसे आप कम्युनिकेशन में जो वाईफाई अडैप्टर उसका सेटअप लगाते हो तो रियल टेक का होता है, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो जब उसको ओपन करते हो तो लोगो आता है मीडिया टेक का। तो आप एलटी से उसका जो नेम होगा शुरू से आप उससे पहचान कर सकते हो कि मीडिया टेक प्रोडक्ट है। उसके बाद दोस्तों जो इसका न्यू लॉन्च प्रोसेसर है अभी होगा हीलियो P70, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लॉन्च होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो उसके तो बारे में हम तभी बात करें जब लॉन्च होगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें मीडिया टेक में खास क्या था जो अब ये इतनी फेमस हो चुकी है और इसका हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, और हम बात करें कि मीडिया टेक स्नैपड्रैगन से अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी मीडिया टेक ने लाई वो क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मीडिया टेक ने हेट्रोजीनियस मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लेके आया दोस्तों, सिर्फ मीडिया टेक और कोई नहीं लेके आया। सबसे पहले इसका दूसरा नाम है लिटिल बिग टेक्नोलॉजी। इसमें आपको बताता हूँ होता क्या है। इसमें मेनली दोस्तों होता ये है कि लिटिल बिग टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रोसेसर होते हैं ना आपके क्वाड कोर ऑक्टा कोर, मैंने कहा क्वाड कोर मतलब चार कोर का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर का मतलब 8 कोर का प्रोसेसर, और डेक्का कोर का मतलब 10 कोर का प्रोसेसर। तो उसमें लिटिल बिग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है मीडिया टेक के बहुत ज़्यादा प्रोसेसर में। उसमें क्या होता है, पावर एफिशिएंट होते हैं, मतलब पावर बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि जो आपके 8 प्रोसेसर, मान लो आपका प्रोसेसर है 8 कोर का लिटिल बिग टेक्नोलॉजी का, तो उसमें जो 8 प्रोसेसर होंगे ना वो आपके 4 और 4 में डिवाइड होंगे। 4 तो हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे, 4 उनसे लो फ्रिक्वेंसी होंगे, मतलब उनका जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो चार के अलग होगी, चार के अलग। मान लीजिए हीलियो P25 को ले लीजिए, जो आपके चार प्रोसेसर है ना वो तो हाई फ्रिक्वेंसी के 2.5 GHz के हैं, और जो आपके चार प्रोसेसर बाकी बच गए वो आपके 1.6 या 7 GHz के हैं बाकी चार। तो उसमें आपकी पावर कैसे बचती है दोस्तों, देखिए जब आपका कोई लोड वाला काम नहीं कर रहे होते ना, आप नॉर्मल टास्किंग कर रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, नॉर्मल वीडियोज़ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके 4 जो प्रोसेसर होते हैं ना वो रेस्ट में होते हैं। आप समझिए ना कि 4 प्रोसेसर आपके रेस्ट में होते हैं और 4 प्रोसेसर आपके रनिंग में होते हैं। तो लेकिन जैसे ही आप वर्कलोड ज़्यादा करते हो, जैसे आप गेमिंग खेलते हो, हाई डेफिनेशन गेम चला देते हो, लोड वाले गेम चला देते हो, तो उसके बाद में क्या होता है कि अब वो चार प्रोसेसर सफिशिएंट नहीं है उस वर्क को करने के लिए। तो वो क्या करेगा, उस चार प्रोसेसर को और साथ ले लेगा, टोटल मिला के 8 वर्क पे लग जाएंगे। जैसे आप सोच सकते हो कि आपके घर में कुछ काम चल रहा है, आप चार मजदूर लेके आए हो, अगर चार मजदूर लेके आओगे दोस्तों दिन ज़्यादा लगेंगे, आपकी मनी ज़्यादा जाएगी, लेकिन अगर आपका वर्कलोड कम है तो आपका चार में काम बन जाएगा, फिर तो आपको 8 की जरूरत नहीं है। अगर आपको 8 लेके आओ, आपका वर्कलोड बहुत कम है, आपका घर की मरम्मत करना का जो काम है वो बहुत कम है, लेकिन आपने लगा दी 8 मजदूर, तो उससे क्या होगा कि आपके मनी ज़्यादा लगेगी, टाइम तो कम लेगा लेकिन मनी ज़्यादा लग गई, और वैसे ही वो बैठे रहेंगे, मतलब कोई काम नहीं करेंगे, लॉस होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि काम कम होता है घर में तो आप चार मजदूरों से काम करवाते हो, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि अगले दिन काम ज़्यादा आने वाला है तो आप क्या करते हो, और मजदूर हायर कर लेते हो, 4 की जगह 8 कर देते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, टाइम बच जाएगा और आपकी मनी इतनी नहीं लगेगी जितने आप 8 एक साथ यूज़ करते हो। आपको जब काम होता है तभी आप उसे यूज़ करोगे। तो ऐसे ही मीडिया टेक लिटिल बिग टेक्नोलॉजी में है, जैसे आपका वर्कलोड ज़्यादा होगा तो 8 प्रोसेसर काम में लग जाएंगे, आपके पास वर्कलोड कम होगा तो 4 प्रोसेसर यूज़ होंगे, तो 4 प्रोसेसर यूज होगा आपको क्या सेव होगा, बैटरी सेव होगी, आपका हीटिंग नहीं होगा और सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही वर्कलोड बढ़ा आपके 8 प्रोसेसर वर्क में लग जाएंगे और वहीं से फिर। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है इसमें पावर एफिशिएंट बहुत अच्छा है और हीटिंग भी नहीं होता दोस्तों, हीटिंग जो हीलियो की सीरीज़ है आपकी वो हीटिंग नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये था दोस्तों लिटिल बिग टेक्नोलॉजी, अगर इस पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। तो ये था दोस्तों आपका लिटिल बिग टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि सबसे पहले मीडिया टेक ही लेके आई थी और यूज़ भी यही करती है, स्नैपड्रैगन इसको यूज़ नहीं करता दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर भी यही लेके आई थी मीडिया टेक P60। सबसे पहले आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ये कौन सा फ़ोन है, रियल मी वन, उसमें फर्स्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का P60 प्रोसेसर था। तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर लेके क्या आया था P60 में, ऐसा हीलियो P60 आया था न्यूरो पायलट के साथ।
न्यूरो पायलट क्या करता है कि वो सब कुछ जो उसका प्रोसेसर है उसकी मेंटेनेंस रखता है, उसके लिए एक तरफ से हार्ट का काम करता है, सब कुछ मतलब उसको मेंटेन करके रखता है। उसको कोई दिक्कत हो प्रोसेसर को तो, हीटिंग की हो, कुछ और हो, तो मतलब सब कुछ मेंटेन कर लेता है वो अपनी तरफ से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है, अगर वो ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसको स्लो डाउन कर देगा, वो अपने आप उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोसेसर मीडियाटेक ही लेके आई थी। दोस्तों अभी के लिए तो मीडियाटेक के बारे में इतना ही जानते हैं हम, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते क्या मीडियाटेक स्नैपड्रैगन से अच्छी है, तो दोस्तों ऐसा हम नहीं कह सकते मीडियाटेक स्नैपड्रैगन से अच्छी है या नहीं है, क्योंकि मीडियाटेक एक अलग कंपनी है, स्नैपड्रैगन एक अलग कंपनी है। हम उसके प्रोडक्ट्स को रिलेटेड कर सकते हैं, कोरिलेट करके हम ये बता सकते हैं कि मीडियाटेक का ये प्रोडक्ट, ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के इस प्रोसेसर से अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि मीडियाटेक अच्छी है या स्नैपड्रैगन अच्छी है, वो उसके प्रोडक्ट्स पे निर्भर है दोस्तों। कहीं ना कहीं पहले ये था कि डायरेक्ट हम क्या करते थे, प्रोसेसर की बात आती थी तो मीडियाटेक को नीचे बता देते थे स्नैपड्रैगन की जगह। जब स्नैपड्रैगन आगे आता था तो पहले प्लेस पे स्नैपड्रैगन होता था, लेकिन अब क्या है, अब ये है कि कॉन्टीन्यूस इतना आगे जाने के बाद मीडियाटेक, मतलब कॉन्टीन्यूस इतना इम्प्रूव करने के बाद मीडियाटेक इतनी अच्छी हो गई कि स्नैपड्रैगन को अब अच्छी तरह से मात दे रही है, बहुत सारे प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन को पीछे छोड़ रही है। तो मतलब वो वहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ बड़े छोटे की, तभी जब कोई सेम बजट का प्रोसेसर हो। ये नहीं है दोस्तों, हम मीडियाटेक की हीलियो P25 की बात कर रहे हैं और स्नैपड्रैगन की 835 की, तो दोस्तों उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ना उनमें बजट का कंपैरिजन है, ना उनके पावर का, ना उनके रेट का, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जो बजट के प्रोसेसर हैं, मतलब एक जैसे बजट के हैं, उनमें ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, उनके लिए हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों ये था मीडियाटेक के बारे में। अगर मीडियाटेक के बारे में और कुछ जानना तो दोस्तों कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और फिर हम अगली वीडियो लेके आएंगे स्नैपड्रैगन के बारे में, और अभी इनके प्रोसेसर के बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे दोस्तों।